दोस्तों हमेशा की तरह 20 से 25 मिनट लूंगा। आइडिया लग गया है कि हमारा फुटिंग पे और कॉलम पे हमारा वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं जो फुटिंग और बीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में आप सीखोगे जो चेकलिस्ट रहती है फुटिंग की कॉलम की, वो सीखोगे, फिर उसकी ड्राइंग कैसे देखते हैं वो सीखोगे, लाइव साइट पे जाके कैसे चेक करना है वो सीखने वाले हो, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि आप किस कॉलम का साइज कितना रख सकते हो, कितने बाय कितने का कॉलम आपका होना चाहिए और लैपिंग कहाँ देनी चाहिए। जो भी कॉलम के रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको चेकिंग करना सिखाऊंगा कॉलम की, पूरी साइट पर ले जाऊंगा। मतलब ये वीडियो में ना आप प्रैक्टिकल सीखने वाले हो, आप थ्योरेटिकल सीखने वाले हो, आप ड्राइंग रीडिंग सीखने वाले हो, सब कुछ सीखने वाले हो, फ्री में सीखने वाले हो। तो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं कहने आपको, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारा पोर कार्ड में क्या कहा होता है कि कितनी आपको टॉलरेंस एक्सेप्ट करनी है चेकिंग के दौरान। तो सामने हमारा पोर कार्ड देख रहे हो, उन्होंने लिखा है चेक रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट टॉलरेंसेस, जो बार की स्पेसिंग होगी, जो वर्टिकल बार होगा, प्लस माइनस 15 mm वो एक्सेप्टेबल होगा, ये चीज़ देखना है। दूसरा जो कवर होगा, मैक्सिमम मतलब 10 mm आपको ज़्यादा होगा वो चलेगा, कम वहाँ नहीं चलेगा। और जो टाइज होंगी या स्टीरअप्स होंगी, मतलब 10 से 15 mm प्लस माइनस वो एक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। अभी मैं ले चलता हूँ आपको साइड पर और आपको दिखाता हूँ। सामने देख रहे हो हमारा, पहले तो सबसे पहले चेक कर लेना जो बार ड्राइंग में स्पेसिंग दी है, जो मतलब बार मेंशन किया है कि 16 mm का बार आपको यूज़ करना है, तो वो है, तो यहाँ 16 और 12 mm का बार है, वो ये प्रॉपर इसमें प्रोवाइड किया है, ये आपका एक चीज़ करेक्ट हो गई। दूसरी चीज़ जो देखनी है आपको, जो स्टीरअप्स हैं, जैसे मैंने कहा था, जैसे पहले टॉलरेंसेस बताई थी वो आपको देख लेंगे। सामने आप देख रहे हो मतलब स्लोप्ड वो प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ जो की हुई है साइड पर, तो ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होती है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार का स्पेसिंग है ये प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। दूसरा ये चीज़ देख लीजिए, जो स्टीरअप है वो 8 mm का प्रोवाइड है कि 10 mm का, वो ड्राइंग के हिसाब से, मैं लास्ट में आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा। और ये हुक, मेन चीज़ जो हुक है स्टीरअप का, क्या देखा जाता है हुक उसकी, अगर 8D के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब 80 mm आपकी हुक होनी चाहिए दोनों तरफ। नेक्स्ट है जो हमारी बाइंडिंग वायर, ये GIE की है या MI की है वो प्रॉपर चेक कर लेनी है कि उसका गॉज जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि नहीं। और जो मतलब 6 इसमें क्या है कॉलम में हमें 4 lakh स्टीरअप दी हुई है, तो ये मैं ड्राइंग में आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी, लेकिन आप अभी सुनते रहिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। और ये एक चीज़ जो सामने आप देख रहे हो, सबसे ख़राब जो मतलब मिस्टेक है, बड़ी सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, वो है जो वर्टिकल वार्स हैं उनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कई जगह पे स्पेसिंग देखो 100 mm है, कई जगह पे 200 mm, ये बहुत बड़ी गलती की जाती है कंस्ट्रक्शन साइड पे कि जो वर्टिकल वार्स रहते हैं उनकी स्पेसिंग बराबर नहीं की जाती है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी पर। अगर देखो सामने अभी देख रहे हो आप, ये देखो कितनी स्पेसिंग है इसमें और दूसरे वाले बार में कितनी कम, तो ये चीज़ बड़ी ख़राब है। देखो ये आ रहा है हमारा मिनिमम मैक्सिमम हमारा 200 mm और नेक्स्ट वाला बार कितना आ रहा है 120, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो कंस्ट्रक्शन साइड पे देखी जाती है। इससे क्या होगा, जो स्टीरअप बैठेगा वो भी प्रॉपर साइज से फिक्स नहीं होगा, मतलब जो हमारे वर्टिकल बार होंगे उसमें हमारा स्टीरअप अच्छे से बैठेगा नहीं। और देखो एक में मतलब 100 mm कुछ मिल रहा है और दूसरे में 200 mm, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है जो आपकी राफ्ट थी उसकी स्पेसिंग कितनी है, मतलब 150 mm सेंटर टू सेंटर देखना होता है 150, और है कितनी ड्राइंग के हिसाब से 120, तो कितना 30 mm का, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पोर कार्ड कहता है वो कम से कम कितना 15 mm आगे पीछे चल सकता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसकी डेवलपमेंट लेंथ। सामने देख रहे हो नीचे मतलब एक 16 mm का जो बैंड किया हुआ वर्टिकल बार, तो ये क्या होता है, जितनी आपकी कंक्रीटिंग है 500 है इसकी और नीचे 300, मतलब 50D के हिसाब से आपका LD आना ही चाहिए, मतलब डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। 300 नीचे मिल रहा है और कंक्रीटिंग इसकी यहाँ तक आई जहाँ टेप हमारे देख रहे हो, तो ये प्रॉपर है कि नहीं ये आपको देखना होता है मेन। और अगर यहाँ मेंशन नहीं किया हो यहाँ, तो 16D आपको L उसका प्रोवाइड करना होता है। दूसरी चीज़ जो चेयर की स्पेसिंग प्रोवाइड की है वो प्रॉपर तरीके से की है नहीं की है, और जो मैक्सिमम चेयर की हाइट है वो प्रॉपर है, क्योंकि अगर चेयर बड़ी हो जाएगी तो जो कंक्रीटिंग होगा वो स्टीरअप मतलब ऊपर कवर अच्छे से नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉपर है। आप जैसे देख रहे हो कितना मिल रहा है हमें,
420 मतलब 425 मिल रहा है, 500 की कंक्रीटिंग है तो मतलब 75 mm ऊपर कवर मिल रहा है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। दूसरा जो पेवर ब्लॉक यूज़ किए गए हैं वो पीवीसी के, अगर मेंशन है ड्राइंग में तो पीवीसी के होने चाहिए, कंक्रीट के हैं तो कंक्रीट के होने चाहिए, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और चेकिंग के दौरान देख लेना जो आपने मतलब ड्राइंग में मेंशन किया कि इस कंपनी का टाटा का स्टील है या जो भी है स्टील है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ अभी आपको देख लेनी है। अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखा देता हूँ कि हम ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं इसकी कॉलम की और उसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो ये वो फुटिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये उसका प्लान आ गया और ये उसकी आ गई सेक्शन, मतलब जैसे प्लान में क्या दिया था मैंने बताया था ना, 16x120 के सेंटर से और 12 का उसका बाइंडर, मतलब दोनों तरफ से कैसे आएगा उसका अगर हम सेक्शन काटें, ये पांच सेक्शन यहाँ प्लान से काटी हुई है। पहले देखना क्या होता है, सबसे पहले ये आपका आपका प्लान, ठीक है, ये दो बीच में कॉलम आ गए, उनका डिस्टेंस दिया रहता है कितना कहाँ से कितना रहेगा वो सब दिया रहता है, ठीक है। तो ये सेक्शन काटी हुई है पांच, तो वो कैसे दिखती है, ये रही आपकी वो सेक्शन। तो उधर क्या कहता है वो 16x120 के सेंटर से टॉप एंड बॉटम, ये सरिया वो आ गया और ये डॉटेड आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड और वो डॉटेड के लिए क्या कह रहा है, 12x120 के सेंटर से ऊपर और नीचे, ठीक है, ये आ गया आपका, मतलब इधर से आपको पता चल गया, ये चेक हो गया। दूसरा जो कितने 20 डाया का 16 नग आपको वो प्रोवाइड करना है उसमें स्टील, ये चीज आपको देखनी है। तो नेक्स्ट जो स्टीरअप था उसका, स्टीरअप के लिए जो मैं बोल रहा था 4 lakh, मतलब ये मास्टर स्टीरअप आ गया, एक आ गया, ये हुक रही उसकी, तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और बीच में एक लिंक आ गया, तो ये हो गया, यह यहाँ भी दिखाया उन्होंने, एक मास्टर रिंग, दो स्टीरअप और एक लिंक, और कितने 100 की स्पेसिंग से आपको प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ें आपको पहले ड्राइंग मतलब स्टडी कर लेनी है, उसके बाद आपको वहाँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको जाके वहाँ चेक कर लेनी होती हैं। सामने आप देख रहे हो टॉवर है, जो ये क्यों, मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखो कि आज छोटा सरिया लंबा सरिया ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था ऐसे फ्रेश गया था तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया, तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है, ये सब मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। ये साइड का विजिट हो गया, देख लिया आपने क्या चीज़ है क्या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉलम लैब की, मतलब एक तो मैंने पता, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है, जो तो कॉलम ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है हाइट इसकी 24 मीटर, तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो, तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरी आ रहा था उसको ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो, तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां यहां है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है, तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखी, देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो 1, 2, 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं अभी बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं इस पे अच्छे से, तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बकल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा, मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ की ये पेड़ यहां से बेंड होता है,
तो सबसे ज्यादा कहाँ लोड पड़ता है, मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है क्योंकि ये यहाँ हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं, तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है 800 mm या 0.8 मीटर, तो उसको उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर देखो अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है, तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहां सब लैप, यही सब लैप हो आगे, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहां सरिया होगा, दूसरा यहां होगा, तो जो लैप आएगा एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ऐसे, दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन छोड़ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो, मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200-200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है, वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ, वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूं कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक, अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूं मैं टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइट पे, ये देखो ये जो मैंने किया है, ये स्टील, मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया अभी, मैं इसका एक कल वीडियो डाला था उसमें मैंने लैपिंग का बताया था, उधर भी आप वीडियो कल देखोगे कल का, तो बीम का लैपिंग था उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे ये क्या होता है, ये है जोगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों करना है, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये दो चीजें इसको बांध दिए, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था, मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 50 × डायमीटर जो भी होगा, 25 का होगा, ठीक है, तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा, 1 मीटर, और ये कितना 1250, तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250 जिस हिसाब का सरिया होगा, और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक क्या है, मैंने देखा है जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ था, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे, जो कॉलम दिए थे तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो, बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए, नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे, एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए, दूसरा उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा, अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहां क्रैक्स पड़ जाएंगे यहां, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं, जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिया हिलाएंगे तो यहां जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहां, मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो
बस बोलता कि मैं ये खत्म है कर नहीं बनाऊंगा इन फ्यूचर, दो तीन साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है, अगर तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है, वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है तो क्या करना है, यहाँ होल करना है मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना मतलब अंदाजे से कि नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है, हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं, वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। तो स्टार्ट करता हूं मैं, हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम, मतलब जो कॉलम है हमारा उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे या छोटे मोटे कॉन्ट्रेक्टर होते हैं वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं, तो वो तो या तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं या कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है ये दो कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए, और अगर इसमें देखूं, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकालो आप एक्सियल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं, ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे, आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट, तो हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है एक्चुअल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन, ठीक है। आपको लोड चाहिए इसके लिए, हमेशा याद रखना जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा फुटिंग डिजाइन होगा वो आपके लोड के हिसाब से होगा, डेड लोड और लाइव लोड निकाल लो आप, इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है, अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है, बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120, तो दोनों को टोटल किया हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन, ठीक है ये हो गया, इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूँ क्या है, ये हो गया। अभी क्या है मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना, ठीक है M30 ग्रेड आपको कॉन्क्रीट का यूज करना है, और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, Fe 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला, अभी क्या है ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, आईएस कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत, जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा कि आप बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है, एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है टोटल हमारा 100% है, तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कॉन्क्रीट का, तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये याद रखना, और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है, 1% में ले रहा हूं काफी है, घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मैं जो एक दो स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा जिससे हमें निकालना है इसको, ये फार्मूला रहा PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है, एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे, PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड, और इसको किलो न्यूटन में न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 × 10⁻³, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही, FCK क्या होता है हमारा कॉन्क्रीट की जो ग्रेड कॉन्क्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC, AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह, प्लस 0.67 ये आ गया यहां, FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500, फिर ASC कितना था हमारा वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहां पे, सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है, 1320 ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने सबको, तो आया 11.88 AG,
ये वहां प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको तो यह 3.35 Ag ये हो गया। फिर इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे ये हो गया। फिर Ag को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm². ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वेयर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो, लेकिन यहां मैं स्क्वेयर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 × 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया अप्रोक्स ले लिया, क्योंकि जो वैल्यू हमारी अप्रोक्स ले ली 300 mm, तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज है। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा कॉलम रहता है उसके बॉटम में हम स्पेसिंग क्यों कम कर देते हैं और ऊपर जाके फिर कम, बीच में हमारी स्पेसिंग ज्यादा रहती है, एक चीज ये बताऊंगा। दूसरी चीज बताऊंगा कि कॉलम का लैप प्रॉपर वे से कहाँ देना होता है वो बताऊंगा। तीसरा, हमारा लैप स्टैगर्ड क्यों रखते हैं, मतलब ऊपर नीचे छोटा बड़ा सड़िया क्यों होता है। आप साइड पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है कॉलम का वो होता है, एक लंबा होता है दूसरा छोटा होता है, इसका रीज़न क्या है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। मतलब आपको पहले मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, उसके बाद सब मैं आपको साइड पे विजिट करवाऊंगा, उसके बाद दिखाता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मैंने जो बताई आपको ड्राइंग के हिसाब से वो इधर है कि नहीं। जैसे आप देख रहे हो वो सामने जो सरिया हमारा वो वर्टिकल वाला, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अब इसमें आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा नहीं, लेकिन इसमें हम वर्टिकल प्रोवाइड ऐसे ही करते हैं, क्यों करते हैं ये चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा जब आपको इसका ड्राइंग दिखाऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज हमारी नई नई वीडियो आएंगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ये चैनल आपको सब प्रैक्टिकल आपको दिखाएगा, ड्राइंग्स दिखाएगा, आपको जॉब्स के बारे में बताता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जितना पॉसिबल हो। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपना जो ड्राइंग का पार्ट। तो सामने आप देख रहे हो हमारा ड्राइंग, जो मैंने रेड कलर का जो ऑरेंज कलर का चारों तरफ ट्रायंगल स्क्वायर बनाया है उसमें देखने आपको, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखो हमारा एक आरसीसी कॉलम दिखाया है, उन्होंने सेक्शन दिखाई हुई है। फिर क्या है नीचे देखो क्या है, 1 मीटर का जो लाइन मारी हुई है ब्लू कलर की, उसमें क्या लिखा है 8 डाया का 100 के स्पेसिंग से कॉलम रिंग इतना, क्योंकि बेसमेंट फिनिश मतलब जो ये फिनिश लेवल है ग्राउंड लेवल है हमारा, उधर से 1 मीटर तक आपको क्या करना है 100 का सेंटर प्रोवाइड करना है। फिर ऊपर आओगे जब ऊपर लिखा है रेस्ट, उधर लिखा है 8 डाया का 150 का सेंटर कॉलम रिंग, फिर उसके ऊपर क्या लिखा है 1 मीटर पे फिर 100 का सेंटर। तो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं 100 का सेंटर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि मतलब जो हमारा स्पेसिंग देखो बीच में स्पेसिंग 150 की है और नीचे ऊपर ज़्यादा, तो इसमें इसका मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रहता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है बॉटम में और ऊपर में। तो इसीलिए क्या करते हैं हम नीचे जहाँ बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कॉलम फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, एक तो जहाँ से आपकी स्लैब में से कॉलम निकलता है और ऊपर जहाँ दूसरी स्लैब आती है, मतलब दोनों के जहाँ 1-1 मीटर के दायरे में या LY4 के दायरे में। LY4 क्या हो गया, जो आपका मतलब हेड होगा दोनों स्लैब के बीच में होगा उसका डिवाइड कर देना। अगर 3 मीटर है 3 मीटर बाय 4 तो जो आपकी वैल्यू आएगी उतना में आपको स्पेसिंग 100 की प्रोवाइड करनी है, जहाँ जो भी कम स्पेसिंग आपको ड्राइंग में प्रोवाइड की होगी। और क्या है मैं बोलूँगा कि टिपिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 3 मीटर की जो हेड है मतलब स्लैब के अंदर अंदर का डिस्टेंस, तो नीचे से 1 मीटर आप दो, ऊपर से 1 मीटर आप कम स्पेसिंग दो, बीच में जो भी स्पेसिंग बढ़ा दो, कि मतलब जैसे अभी ड्राइंग में दिया था कि 100 की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप नीचे से जो स्लैब है उधर से 1 मीटर दागी मार के वहाँ 100 का स्पेसिंग पे प्रोवाइड करो, ऊपर से आप 100 पे और बीच में 150 या 135 का स्पेसिंग दे दो, तो कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो इधर से हमें पता चल गया क्यों स्टीरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे में और ऊपर में, तो वेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा वहीं है। तो जो बेस्ट प्लेस है जो कॉलम को लैब प्रोवाइड करने की वो सेंटर है, मतलब जो भी आपका स्लैब होगा 3 मीटर की, तो 1500 के ऊपर आप अगर प्रोवाइड करोगे लैब तो वो आपका सेफ रहेगा, कॉलम के फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अभी देखो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ साइड पे, ये देखो नीचे से
ऊपर तक 1 मीटर तक इन्होंने क्या 100 का स्पेसिंग प्रोवाइड किया है, ये देखो कॉलम में 10 का, और उसके ऊपर हमारा स्पेसिंग बढ़ गया। क्यों? इसका 3 मीटर का हाइट था, 1 मीटर से हमने 100 का स्पेसिंग मार दिया, ऊपर 150 का, और उसके ऊपर जो होगा फिर 1 मीटर पे 100 का, उसके बाद हमारी स्लैब आ जाएगी। तो ये फंडा रहता है हमारा साइड पे। और इस पे जो कॉलम लैब पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ आपको प्रोवाइड करना होता है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वे से वीडियो डाली है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि L/4 मतलब है क्या L/4, तो उसमें है कि दोनों तरफ से ऊपर से भी L/4, नीचे से भी L/4, बीच में बचता है हमारा L/2, उधर आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। वो वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ साइड की अच्छे से। तो सामने आप देख रहे हो हमारा, देखो जहाँ हमारी 1 मीटर है वहाँ हमने स्पेसिंग कम प्रोवाइड की है, देख रहे हो। और लैब जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सेंट, मतलब ये हमारे 3 मीटर की है, तो हमारा नीचे से 1500 पे ही लैब आ रहा है। और बात रही स्टैगर्ड करने की कि क्यों हम स्टैगर्ड करते हैं, मतलब सरिया छोटा बड़ा क्यों करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही साइज़ का सरिया काटेंगे, लगा लो एग्जाम्पल लूँ 6 मीटर का, तो क्या होगा हमारा जो 6 मीटर का सब एक सरिया एक ही जगह लैप आएगा, तो क्या होगा वो सेक्शन हमारी वीक हो जाएगी। अगर वहाँ पे आप इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आया या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, तो वो कॉलम फेलर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो तभी क्या करना है, नीचे से ही आपको सरिया हमारा अल्टरनेट होना चाहिए छोटा बड़ा। जैसे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया आता है लेंथ जो आती है, तो आप 7 मीटर 5 मीटर कर दो या 6 500 5 500 कर दो, तो मतलब दोनों कंज्यूम भी हो जाएगा, वेस्टेज भी नहीं निकलेगी, और सरिया दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों कितना दूरी पे एक दूसरे से होना चाहिए, वो होता है 1/2 × LD, LD हो गया हमारा लैब डिस्टेंस जो भी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो कॉलम पे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ करो, जो आपका ग्रुप है सिविल इंजीनियर का उसमें करो, तो मुझे भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। और हमारी डिले वीडियोस आती हैं, अगर आपको ये टॉपिक आपको पढ़ना है, मतलब थ्योरेटिकल चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और इसी का जो मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट बना चुका हूँ वो मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। थैंक यू गाइज़।